जयपुर में रेगर हॉस्टल में आज गेस्ट हाउस का भूमि पूजन और ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य और चैनल हेड जगदीश चंद्र ने शिरकत की और समाज की ओर से किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। रिपोर्ट देखिए। जयपुर के जेएलएन मार्ग पर रेगर हॉस्टल परिसर में गेस्ट हाउस का भूमि पूजन किया गया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य समेत अन्य पदाधिकारियों ने ये भूमि पूजन किया। वहीं समाज के नए ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी किया गया। ये लोकार्पण सीएस निरंजन आर्य और चैनल हेड जगदीश चंद्र ने किया। इस मौके पर सीएस निरंजन आर्य ने कहा कि उन्हें रैगर समाज का जो स्नेह मिलता है उससे समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप लोगों का जो स्नेह और प्यार जो मिलता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे ये घर में भी नहीं मिलता, ये रे घर में मिलता है। तो मेरे लिए तो ये घर है, इसको से रे में हटा देता हूँ, केवल घर है मेरा। इतना वर्मा साहब और आप लोग इतना प्यार है तो कई बार मेरे को विश्वास भी नहीं होता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना प्यार जितना स्नेह मेरे को दे रहे हो, मेरे कंधे उतने ही भारी हो रहे। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ कुछ मेरे लिए करना चाहिए काम। तो अगर भगवान ने मेरे को मौका दिया तो आप जब कभी भी पधारे मेरे पास, मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि मैं छोटे मोटे काम आपके आ सकूं। मैं आपकी बहुत आपको बहुत एहसान मंद हूँ कि जिस प्रेम और स्नेह से आप बुलाते हो और इतना प्यार और स्नेह देते हो, भगवान आपके इस पूरे प्रोजेक्ट को तुरंत पूरा करें। पूरे मेहनत से शिद्दत से लगे हुए हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया और भी आगे हॉल बन जाएगा। तो अगली बार हो सकता है अगला प्रोग्राम ये इस तरह से अपन उस हॉल में ही करेंगे ताकि उसके अंदर बैठें और बड़ी बातचीत हो। वहीं चैनल हेड जगदीश चंद्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छे प्रोजेक्ट को लेकर समाज आगे बढ़ रहा है। रेगर समाज को आगे बढ़ाना मुख्य सचिव का पहला प्यार है। इसी तरह मुख्यमंत्री भी इस काम में आगे रहते हैं। उन्होंने सीएम और सीएस की जोड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि फर्स्ट इंडिया हमेशा समाज से जुड़े कामों में साथ निभाता रहेगा। निरंजन आर्य जी, उनका भी फर्स्ट लव है ये सब रेगर छात्रावास और आगे बढ़ाना जो है। और सबसे खुशी की बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री भी इस काम में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, चाहे ज़मीन आवंटन का मामला हो, वर्मा साहब जानते हैं, चाहे सहायता का मामला हो, चाहे इस वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं घोषित करने का मामला हो, गहलोत साहब हमेशा आगे रहते हैं। तो गहलोत साहब और निरंजन आर्य साहब की जोड़ी ने पिछले वर्षों में जो यहाँ काम किया है उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। लोकार्पण करेंगे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के साथ। आप देखिए बता रहे हैं वर्मा जी कि मुख्यमंत्री जी के नाम से लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास किया तो बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति, जो राजनेता, जो चीफ मिनिस्टर कौम के लिए इतना काम करे उसे मान सम्मान देना भी हमारा कर्तव्य है। और रही बात फर्स्ट इंडिया की, फर्स्ट इंडिया हमेशा आपके साथ है, जुड़ा हुआ है। इस मौके पर रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस के मोहनपुरिया और छात्रावास प्रबंधन समिति अध्यक्ष टी आर वर्मा ने निरंजन आर्य और जगदीश चंद्र समेत अन्य अतिथियों को माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। साथ ही समाज के कार्यक्रमों में भागीदारी निभाने पर आभार भी जताया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट।